हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड देख सकते हो मेरे हिबिस्कस में कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और हाइब्रिड में भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे से फ्लावरिंग होती है, ढेरों फूल हमारे बगिया में खिलते हैं। तो आज मेरे ये देख सकते हो आप, ये ऑरेंज हाइब्रिड गुड़हल है। इसमें रोज़ ही 5-6 और उससे भी ज़्यादा फूल खिल रहे हैं और बहुत सारी कलियाँ भी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे और भी कुछ पौधे हैं जिनकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आज मैं उनको फर्टिलाइज़र करने वाली हूँ। इनमें भी हाइब्रिड है और बहुत ही बड़ा फूल खिलता है, इसमें बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये मेरे कटिंग से लगे हुए पौधे हैं, आप यकीन नहीं करोगे। ये फरवरी में मैंने कटिंग जितनी भी 4-5 कटिंग लगाई थी, सभी पौधे तैयार हो गए हैं और फूल इतना खूबसूरत दिखता है कि उसकी वजह से मैंने सभी पौधों को रखा हुआ है। किसी को देने का या फिर उखाड़ के फेंकने का मन नहीं करता है और देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। हमारे इधर कोई मांगता भी नहीं है और उतनी रुचि भी नहीं दिखाते हैं पौधे लगाने में। तो अभी मैं इनको फर्टिलाइज करूँगी और मैंने इन्हें रिपोर्ट भी करके रखा हुआ है। बहुत बड़े हो चुके हैं, मैंने इनकी एक बार हार्ड प्रूनिंग भी कर दी थी ताकि अच्छे से शेप में आ जाए। तो देख सकते हो आप, ये तो मैंने रखे हुए थे तो ये धूप नहीं लग रही थी, वो भी वजह है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। और इनको भी मैं फर्टिलाइज़र करूँगी और धूप में भी रखूँगी। तो सबसे पहले मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, इनकी मिट्टी जो भी पत्तियाँ वगैरह गिरी है। उसके बाद मैंने ये लिया है गोबर की खाद, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद है। मैं ज़्यादा महंगे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज नहीं करती हूँ फ्रेंड, जो भी मैं हमेशा यूज करती हूँ, जो भी खरीदती हूँ कम दामों में जो मिलते हैं और घर में जो भी निकलते हैं हमारे फ्री के फर्टिलाइज़र, वो भी मैं डालती रहती हूँ अपने पौधों में, सभी पौधों में। तो अभी और ये देख सकते हो आप, ये है लकड़ी की राख और मैंने लिया है DAP, या ऑर्गेनिक DAP है, 50 या 60 रुपए किलो ऐसे मिलता है दुकान में, वो खाद की दुकान में। तो आप चाहो तो ले सकते हो। पर सबसे पहले मैं इसमें अच्छे से गुड़ाई कर लेती हूँ। आप चाहो तो पहले गुड़ाई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं, ज़्यादा पौधों को फर्टिलाइज करना है तो आप पहले डाल लीजिए। अगर पौधा रूट बाउंड नहीं हो चुका है तो सबसे पहले आप उसमें डाल सकते हो जो भी आपको फर्टिलाइज खाद डालना है, उसके बाद डायरेक्ट आप गुड़ाई कर सकते हो। उससे भी मिक्स हो जाती है मिट्टी में सभी हमारे खाद वगैरह और अच्छे से रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई कर ली है, पत्तियाँ वगैरह साफ कर ले हैं। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी सबसे पहले गोबर की खाद। तो ये DAP और लकड़ी की राख है जो मैं हमेशा ही अपने पौधों में डालती हूँ। इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे इतनी सारी DAP के दाने क्यों लिए हैं। तो मेरे पास 2-4 पौधे हैं और उनको भी फर्टिलाइज करना है, तो सभी को मैंने मिक्स कर दिया है और ये गोबर की खाद ली है मैंने। और ये ऐसा मैं घरगुती और कम दाम में सिर्फ 5 रुपये में मिलने वाला फर्टिलाइज़र बताऊंगी, जिससे आपके पौधे बहुत फूल ज़्यादा फूलों से भर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो मैं ये गोबर की खाद डाल रही हूँ 1 मुट्ठी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गुड़ाई तो कर ली है मैंने, उसके बाद मैंने ये वुड एस और जो DAP के दाने लिए थे वो डाल रही हूँ इसमें, थोड़े से मिक्स किए हुए हैं। और ये हो गया हमारा फर्टिलाइज। और अब इसमें मैं डालूंगी जो हमारा पावरफुल फर्टिलाइज़र है। सिर्फ 5 रुपये में आप अपने पौधों में अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हो, जिससे हमारे पौधे ढेरों फूल देंगे। सिर्फ 15 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें आता है पानी डालने की बारी। तो ये देख सकते हो, ये है कॉफ़ी पाउडर जो 5 रुपये या 10 रुपये में मिल जाता है और एक पैकेट आपके 5 या 10 पौधों के लिए हो जाता है। आप देख सकते हो, ये मैंने जो पानी डालने की कैन होती है वो पूरी भर ली है, उसमें एक पैकेट मैंने ये कॉफ़ी डाल दी है। और अच्छे से खोल दूंगी इसे। तो ये
हमें पानी जो ये जो कॉफ़ी का पानी देना है तो पौधे के नीचे से निकलने तक नहीं देना है, पौधे में ही रहे इस तरह से हमें डालना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे सभी अपने पौधों में दूंगी, जिन जिन पौधों को मैंने फर्टिलाइज़ किया है उन सब में। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी इसमें भी डाल दूंगी, तो आप भी इसी तरह से फर्टिलाइज़ कर सकते हो।